बड़ी खबर मिल रही है, एआरटी का आज भी औचक निरीक्षण। श्रम विभाग के हसनपुरा के ऑफिस में यह औचक निरीक्षण किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि आज भी निरीक्षण में ज्यादातर कर्मी निदारद मिले। दल ने रजिस्टर जब्त करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार ये ट्रैकिंग अभियान जारी है, निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मी निदारद मिल रहे हैं। फोर्स इंडिया पर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिएगा। डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऋतुराज, उम्मीद ये थी कि कल वाली कार्रवाई से जो एक्शन लिया गया था, औचक निरीक्षण हुआ था, उसे सबक लेते नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आ रही। देखिए, ये कितनी बदनुमा तस्वीर है कि कल नगर निगम के ऑफिस में कार्रवाई हुई थी और वहां पर भी इस तरह की बात सामने आई थी कि सुबह 10 बजे तक कोई भी कर्मचारी ही मौजूद नहीं था, ताले लगे हुए थे सेक्शन में। वहां पर स्थिति यह थी कि भौतिक सत्यापन के लिए जब दोबारा टीम गई, तब उन्होंने अपनी अलग पीड़ा यह बताई कि यहाँ पर वॉशरूम गंदे हैं और यहाँ पर फाइलों का संधारण ठीक नहीं हो पा रहा है और एक कबाड़ में पड़ी हैं फाइलें। तो यह सारी रिपोर्ट भी कल दी गई थी और आज जो तस्वीर सामने आती है वो भी कुछ बहुत अलग नहीं है। अगर श्रम विभाग के कार्यालय की बात करें तो वहां पर बहुत उंगलियों पर गिने जाने जा सकने वाले कर्मचारी सुबह 10 बजे तक मौजूद थे। इसके बाद अगर अब टीम गई है विद्याधर नगर जोन नगर निगम ऑफिस, वहां पर भी रजिस्टर जब्त कर लिए गए हैं और वहां पर भी यह बताया जा रहा है कि काफी कम कर्मचारी हैं जितना संख्या में वहां होना चाहिए था। तो यह एक ऐसी तस्वीर है कि जबकि गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम की बात की जाती है तो ऋतुराज, ये तो निरीक्षण हो गया वो भी औचक रूप से, अगर ये नहीं होता तो शायद ये तस्वीर सामने ही नहीं आती। किस विभाग की हम बात करेंगे, कल भी तस्वीर देखिए, आज विद्याधर नगर जोन में भी कार्रवाई शुरू की, वहां पर भी रजिस्टर जब्त कर लिया गया है। हालांकि आगे की जांच होगी, कहा जाएगा एक्शन, क्या वाकई में एक्शन यहां पर होगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है। देखिए पूनम, बहुत ही सही सवाल है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि खूब औचक निरीक्षण किए जाते हैं और फिर भी लेट लतीफी की आदत नहीं सुधरती। और बात केवल लेट लतीफी की ही नहीं है, पूरा जो सिविल सर्विस का जो एटीट्यूड होना चाहिए अपने काम के प्रति, वह भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि कल जिस तरह से गंदगी की तस्वीर हमने दिखाई थी, इसके साथ साथ फाइलें कबाड़ में जाने की तस्वीर हमने दिखाई थी, वॉशरूम में पानी नहीं होने जैसी तस्वीरें हमने दिखाई थी, तो ये तमाम तस्वीरें वह तस्वीर कहलाती है कि केवल लेट लतीफी ही नहीं, पूरी जो कार्य संस्कृति है उसको बदलाव, आमूलचूल बदलाव की जरूरत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। खास तौर पर नगर निगम, जहां पर सीधे पब्लिक डीलिंग का काम होता है, नगर निगम हुआ, जेडीओ हुआ, यहां पर पूरा पब्लिक डीलिंग का काम होता है और आम आदमी की जो तकलीफें हैं वो अधिकारी कर्मचारी यहां पर सीधे महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की संवेदन जब कर्मचारी ही नहीं है तो पब्लिक को देखता सुनता समझता कौन होगा ऋतुराज जी, कौन उनकी तकलीफ सुनने के लिए यहाँ पर बैठता होगा। ऐसे तो जनता नहीं करती है कि हम तो दफ्तरों के चक्कर लगाते थक गए, कोई मिलता नहीं, हमारे काम होते नहीं, ऐसे तो जनता नहीं कहती है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये लगातार औचक निरीक्षण की कार्रवाई जारी है और जो रिपोर्ट बनती है वो भी एक तरह से कई तरह के प्रक्रियाओं पे सवाल उठाती, क्योंकि रिपोर्ट बनने के बाद एचओडी तक जाती है और अमूमन कई बार ऐसा होता है कि यदि कर्मचारी लेट आ रहा होता है तो एचओडी की मौखिक सहमति भी होती है। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो कार्रवाई जैसी कोई शक्ल नजर नहीं आती, कोई तस्वीर इस तरह से नजर नहीं आती, या होती भी है तो कोई सीएल कटौती करना और इस तरीके की छोटी मोटी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो नियम है उसके मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी अगर लगातार 3 बार इस तरह से एब्सेंट रहता है तो उसके खिलाफ जो नोटिस देकर और अनुशासनात्मक कार्रवाई किस तरह से की जा सकती है, उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक के जो ठीक है, यानी कि नियम कहता है, लेकिन ये नियम कैसे लागू होगा, क्योंकि जो रजिस्टर जब्त किया होगा उसे तो अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल दिया गया होगा। नहीं, यह बात तो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि जब टीम जाती है तो जो रजिस्टर जब्त करते हैं तो वो क्रॉस लगा दिया जाता है टीम के द्वारा। और नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जो कर्मचारी आ नहीं रहे हैं या फिर लेट आ रहे हैं,
उनकी अनुपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो तो खुद ही उपस्थिति दर्ज करते होंगे, और क्योंकि यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। जब अनुपस्थिति दर्ज होती है तो उसको मेरा कहने का मतलब है कि अवकाश में तब्दील कर दिया जाता है, उनकी अवकाश में तब्दील करके, लेकिन जहां कार्रवाई की बात आती है वहां पर कहीं पर भी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी नियम है इसमें, 16 CC के नोटिस देकर और उस हिसाब से भी कार्रवाई के भी नियम है। हमने देखा कि जब यदि सरकार प्रशासन चाहे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके बर्खास्त तक भी कर सकती है जिसको चाहे उसको, लेकिन जब इस तरह की बात आती है, जब काफी हद तक एक ही स्टाफ में सपोर्टिंग ग्रुप अगर काम करता है तो मिलीभगत तक की भी बात सामने आती है, और इसमें जो कार्रवाई का अधिकार है वो HOD को दिया गया है, और कई बार ये मांगे उठा। ऋतुराज जी, एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि लाइट पंखे सब चल रहे हैं, AC भी चल रहे होंगे, यानी कि ऐसे माहौल बनाया गया है कि ऑफिस तो खुल गया है, काम भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा, लेकिन काम तो तब शुरू होगा जब कर्मचारी यहाँ पर आएंगे बिना मिलीभगत के, क्योंकि जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते होंगे या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, हर किसी को पता होगा ये। बिल्कुल पूनम, जो आप कह रहे हैं कि पंखे चालू कर देना और लाइट और माहौल ऐसा बनाना कि भाई ऑफिस शुरू हो गया है, लेकिन यह बात भी तब सामने आती है कि जिससे 7-8 बजे अमूमन ऑफिसों में जो सफाई कर्मचारियों का होता है, जो काम ठेके पर दिया गया है, वो दफ्तर के ताले खोल के और यह काम अंजाम देता है, लाइट पंखे चलाता है और सफाई करते हैं। तो उस लिहाज से भी देखें तो ये भी संभव है कि केवल सफाई कर्मचारियों ने ये काम कर दिया और कर्मचारी आए ही नहीं हों 11 बजे तक, तो ये भी एक चौंकाने वाली तस्वीर है। ठीक है, एक दो कर्मचारियों पर अगर गाज गिरेगी नहीं तब तक इन्हें सबक नहीं मिलेगा, और शायद इनकी अनुपस्थिति को छुट्टी में बदलकर इनकी अगर सैलरी काटी जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हो सकते हैं जिससे आने वाले समय में ये तस्वीर देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस जानकारी के लिए।